हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और एयर फ्लो की सीरीज में ये हमारा पांचवा लेक्चर है। इसमें मैं आज कंप्लीट वेव यूआई का वॉक थ्रू करूंगा एयर फ्लो का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपने स्क्रीन की तरफ। पहले से मैंने स्क्रीन को खोल के रखा हुआ है। लॉग इन करके मैंने आपको सेटअप पहले से ही बता रखा है कि कैसे सेटअप करना है, कैसे एयर फ्लो को रन करना है। तो आप फर्स्ट टाइम जैसे ही एयर फ्लो को रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखेगा, मैं कंप्लीट वेव यूआई का वॉक थ्रू करूंगा, एक एक चीज को डिटेल्ड वे में आपको बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये मेरा जो है लोकल होस्ट 4x8/home पे चल रहा है, ये हमारा पाथ है। और आपको सबसे पहले यहाँ एयर फ्लो का लोगो मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सेम आप होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। ये फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा ये डैक्स का है। डैक्स के अंदर बहुत सारे, मतलब आपको जो भी टास्क आप क्रिएट करोगे वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो डेक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे तीन सेक्शन है, ये टोटल टास्क आपके हैं, ये एक्टिव जो भी टास्क है, अगर कोई भी एक्टिव टास्क है आपका, या भी मैं अगर कोई भी टास्क ट्रिगर करूंगा तो वो एक्टिव टास्क के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये है पॉज टास्क, ये मतलब बेसिकली जितने भी टास्क अभी हैं हमारे ऑल सेक्शन में, मतलब वही हमारा कोई भी एक्टिव टास्क नहीं है तो वो सारे पॉज सेक्शन में। यहाँ से आप बेसिकली सर्च कर सकते हैं, डैक्स को फिल्टर कर सकते हैं टैग के थ्रू। उसके बाद आप डैक को यहाँ से सर्च कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मेरा स्नोफ्लेक का एक बना हुआ है तो मैंने ये सर्च किया तो ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश का सेक्शन है, बेसिकली जब आप डैक्स लिखोगे और मैपिंग करोगे वॉल्यूम का तो बेसिकली तुरंत यहाँ पे ये मतलब आपका शो नहीं होता है, जो भी टास्क आप क्रिएट करोगे जनरेट करोगे वहां से तो ये शो नहीं होता है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए ये बटन है। तो आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो 1-2 मिनट के बाद वो बेसिकली अपियर होता है स्क्रीन पे। तो ये बटन आप देख सक रहे हो यहाँ पे, ये डैक का नेम है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने जो बना रखा है मैं उसको दिखाता हूँ आपको, ये बेसिकली हमारा डैग है, ये डैग इसको बोलते हैं डैग, ये हमारा डैग का ये आईडी है, डैग आईडी जिसे बोलते हैं। आप जो भी स्पेसिफाई करोगे डैग आईडी वो यहाँ पे आपको शो होगी। और इसे बोलते हैं टैग, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं टैग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका ओनर कौन है, अभी तो एयरफ्लो है, आप यहाँ मतलब आपको अगर ओनर चेंज करना है तो ओनर भी चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका जो रन्स है, बेसिकली जब भी आप रन करोगे अपने टास्क को, अपने डैग को, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा सेक्शन, वो मतलब टास्क का स्टेटस बेसिकली आप देख सकते हो। यहाँ क्यू है, फिर सक्सेस है, रनिंग स्टेटस है, फील्ड एक्स, तो यहाँ पे आप जैसे ही रन करोगे आप देख सकोगे। यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे शेड्यूल टास्क, सपोज आपको कोई टास्क को शेड्यूल करना है आवरली या फिर डेली बेसिस में, आप यहाँ पे देख सक रहे हो कि ये डेली बेसिस पे है और ये भी डेली पे है। ये क्रॉन जॉब आप लिख सकते हैं, मतलब क्रॉन टैब से आप बेसिकली स्पेसिफाई कर सकते हो टाइमिंग, कि आपको सपोज दिन के 2 बजे चलाना है तो आप यहाँ से मतलब स्पेसिफाई कर सकते हो अपने टाइमिंग को, वो सब मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट रन का स्टेटस, बेसिकली आपने कब इस डैग को एक्टिवेट किया और कब रन किया उसके स्टेटस को शो करेगा यहाँ पे। वो नेक्स्ट रन कब होने वाला है, बेसिकली जब भी, अब जैसे डेली स्टेटस है इसका, शेड्यूल्ड है ये डेली, तो आज के बाद ये कल, लाइक अभी 26 को मतलब ये दिखा रहा है, अभी तो 27 आज डेट है बेसिकली, लेकिन ये 26 को दिखा रहा है, तो ये मतलब शेड्यूल्ड नेक्स्ट रन कब होगा, ठीक है, वो शो करेगा यहाँ पे। ये सेम चीज़ है आपका स्टेटस शो करने के लिए, जो भी स्टेटस है। फिर यहाँ पे एक्शंस में है, ये ट्रिगर करने के लिए है, आप यहाँ से डैग को ट्रिगर करके रन कर सकते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ रन कर सकते हो, सपोज आपको कुछ वेरिएबल वगैरह चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में तो आप वहाँ पे डाल के, मतलब ट्रिगर को डैग, सपोज आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है वहाँ पे, कुछ चेंज करना है वेरिएबल वगैरह, तो वो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर यहाँ से लिंक्स का, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, अगर डैग को आप डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट बटन है। फिर ये लिंक्स का ऑप्शन है, अब मैं ये बताता हूँ आपको, इसके बाद आएगा ये। उसके बाद सेकेंड, ये तो फर्स्ट सेक्शन टोटल ये कंप्लीट हो गया आपका, मैंने सारा चीज़ को समझा दिया आपको। सेकेंड थिंग में ये चीज़ आएगा, डेटा सेट्स। डेटा सेट्स क्या होता है, बेसिकली आप जो भी फाइल S3 के अंदर से जो ले करके आओगे, तो ये मतलब डेटा सेट बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है एयरफ्लो के थ्रू, तो यहाँ पे आप वो फाइल वगैरह देख सकते हो, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। उसके बाद ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप बेसिकली जानते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, सपोज एक प्रोजेक्ट पे 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5ों को एक्सेस देना पड़ेगा तभी जा करके वो, मतलब सपोज मुझे काम मिला है कुछ और पाइपलाइन क्रिएट करने का, किसी और को किस कुछ और पाइपलाइन क्रिएट करने का, और सबके पास सेम इन्वायरमेंट में है, सपोज ये अभी तो मेरा लोकल होस्ट में चला, लेकिन अगर सपोज ये किसी सर्वर पे होस्टेड हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे यूज़र्स का। और बेसिकली अभी आप यहाँ पे देख सक रहे हो, जैसे मेरा नेम है यहाँ पे, लास्ट नेम है, यूज़र नेम मेरा आई एम यूज़र है,
ईमेल आईडी दिया हुआ है, एक्टिव यूजर है, रोल है, ठीक है। यहाँ से मैं एड अ न्यू रिकॉर्ड, मतलब मैं यहाँ से एक यूजर क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज मेरा कोई एक कलीग है, उसको चाहिए इसका एक्सेस, तो मैं एक एक्सेस बना के यहाँ से दे सकता हूँ, उसका नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, बेसिकली एक्टिव और इनएक्टिव करके, यहाँ बुलियन वैल्यू जो भी होगा, ट्रू फॉल्स, ईमेल आईडी, रोल, उसका रोल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पांच रोल हमें प्रोवाइड करता है, एडमिन का, पब्लिक का, व्यूअर का, यूजर का, ऑफ करके एक ऑप्शन आता है, उसके बाद पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, कन्फर्म पासवर्ड, उसका सेव, मैं उसको ये प्रोवाइड कर दूंगा तो वो फिर मतलब इस एयरफ्लो के मतलब एप्लीकेशन के अंदर, वो वेब यूआई के अंदर लॉग इन कर सकता है। तो ये यहाँ से करते हैं। फिर यहाँ पे रोल्स कितने हैं, रोल्स का मतलब उस रोल्स में क्या क्या परमिशंस है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया गया है सारा चीज़, एडमिन है, पब्लिक है, व्यूअर है, यूज़र है, ऑफ है, ऑफ बेसिकली होता है माय पासवर्ड कैन रीड माय पासवर्ड, प्रोफाइल कैन रीड, यहाँ पे आप बेसिकली आप ये पढ़ सकते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है हर एक रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद यूजर्स का स्टैटिस्टिक्स है, बेसिकली यूजर स्टैटिस्टिक्स में ये है कि वो यूज़र कितने बार लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन काउंट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक्शंस है, हाँ कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है यूज़र, ये है यहाँ पे, कैन एडिट, कैन रीड, कैन क्रिएट, कैन डिलीट, मेन्यू एक्सेस, क्लियर, सेट फील्ड, सेट ट्राई, ये सारा बेसिकली जो भी रोल हम असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्शंस, सपोज ऐड फिल्टर, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, तो बेसिकली यहाँ पे एक्शंस आप देख सकते हो जो भी है। फिर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स क्या क्या है, बेसिकली ये आप देख सकते हो, ये सारा रिसोर्स है यहाँ पे, परमिशंस वगैरह है, डैक्स कितने बार उनके, ये सारा इंफॉर्मेशन है सिर्फ, ये नॉन क्लिकेबल लिंक है। फिर यहाँ पे परमिशंस क्या क्या है, ये कौन सा रिसोर्स है, कौन सा एक्शंस है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो वो चीज़, कौन डिलीट कर सकता है यूज़र, कौन रोल्स क्या क्या है, कैन क्रिएट रोल्स वगैरह, ये सारा चीज़ परमिशंस का लिस्ट दिया गया, ठीक है। तो सिक्योरिटी के अंदर ये सारा चीज़ आता है। उसके बाद ब्राउज ऑप्शन है, ब्राउज के अंदर डैक्स रन, बेसिकली इसमें कि डैग को जो भी डैग रन होंगे उसको लिस्ट, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने इसको एक्टिवेट किया, इसको ट्रिगर किया डैग को, देखो आप यहाँ पे ये स्टेटस दिखा रहा है, अभी क्यू में है ये, उसके बाद ये आगे जाएगा तो ये देखो रनिंग स्टेटस हो गया इसका, और उसके बाद अगर ये सक्सेस जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन आएगा, ये देखो आप ये सक्सेस हो गया, मतलब रिसेंट टास्क वन आ गया इसका, यह सक्सेस हो गया। अब हम ये ब्राउज सेक्शन के अंदर डैक्स रन को देखते हैं, तो यहाँ पे इनका इसका इन्फॉर्मेशन आएगा बेसिकली, तो इसमें स्टेट आएगा सबसे पहले सक्सेस, ये डैग आईडी आएगी, जो भी डैग आईडी मैंने बताया था आपको होगी, लॉजिकल डेट जो भी है, ठीक है। तो आज का डेट आ गया, मैंने ये रन किया हुआ है, तो ये देखो आप यूटीसी फॉर्मेट में है, आप चाहो तो इसको चेंज करके आईएसटी फॉर्मेट में कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो 418 हो गया आईएसटी फॉर्मेट में, अब यहाँ पे देखो 27/9/418 मतलब 16/18 जो भी है 24 आवर्स में ये शो कर रहा है। रन आईडी देखो यहाँ पे ये शो करेगा, यहाँ पे एक देखो ये चीज़ है कि ये मैनुअल हुआ, मैंने मैनुअली ट्रिगर किया था, अगर ये शेड्यूल्ड होता टास्क तो यहाँ पे शेड्यूल्ड लिख के आता, ठीक है, ये चीज़ आप देखना है, एक चीज़ आप अगर करोगे वैसा। तो रन टाइम क्या है, ये मैनुअल है, क्यू डेट कितने टाइम पे क्यू हुआ, स्टेटस दिखा रहा है उसका, स्टार्ट डेट कब था, एंड डेट कब था, एक्सटर्नल ट्रिगर था तो मैंने एक्सटर्नली इसको ट्रिगर किया था तो ये ट्रू शो कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने कुछ किया नहीं था तो ये कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, ड्यूरेशन कितना हुआ उस, ये मतलब डैक को रन करने में 6 सेकंड का ड्यूरेशन लगा तो ये 6 सेकंड यहाँ पे शो कर रहा। तो बेसिकली इसके अंदर ये ऑप्शंस है। फिर ये जॉब्स है, ये जॉब्स आप देख सक रहे हो, मैंने जितना भी जॉब रन किया हुआ है, ये देखो शेड्यूलर जॉब है, ये सारा शेड्यूल्ड जॉब है, ये अपने आप रन किया हुआ है पहले से ही। तो बेसिकली अगर जो मैंने अभी रन किया है, डैग आईडी उसका शो कर रहा है, स्टेटस जॉब आईडी, जॉब टाइप शो कर रहा है, स्टेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सक रहे हो यहाँ पे, कौन सा यूज़र है, यूज़र नेम भी दिया हुआ है उसका, तो ये हो गया। फिर ऑडिट लॉग्स है, बेसिकली उसका लॉग्स आप वगैरह देख सकते हो, कुछ एरर वगैरह आए तो मैं आपको बताऊंगा लॉग कैसे शो देखते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने अभी रन किया था, उसका इन्फॉर्मेशन है, डैग का लिस्ट, बेसिकली टास्क का इंस्टेंस है, वही सेम चीज़, मतलब लगभग ऑपरेटर वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, देखो बैस ऑपरेटर है, और फिर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूल कौन सा, डिफॉल्ट पूल है, क्यूड बाय जॉब आई डी 4, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो इसके अंदर से। उसके बाद ट्रिगर्स में कुछ नहीं है, SLM से, मतलब ये आप देख सकते हो, अगर डैग के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज है तो आप देख सकते हो। ये देखो डैग डिपेंडेंसीज क्या होती है, ये जो टास्क है इस टास्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हर एक का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये डिपेंडेंसीज शो कर रही है। डिपेंडेंसीज का क्या मतलब होता है कि मतलब सपोज करो ये इसको रन करना है मुझे, तो ये इससे पहले फाइल को रीड हुआ, फिर यहाँ से भी एक डेटा सेट 3 आप देख रहे हो, ये दोनों फाइल को रीड करके
तभी जा करके ये तीसरा मतलब उससे इंफॉर्मेशन गेट करके या फिर डेटा लेक जैसे बोलते हैं आपकी सोर्स से डेटा उठा करके मतलब कलेक्ट करते हैं वही, तो सेम वे में ऐसे करते हैं, फिर उसको उसके थ्रू डेटा को रीड करके कुछ मतलब ट्रांसफॉर्म करके वो तीसरा कुछ अननोन डेटा सेट या पे क्रिएट कर। तो बेसिकली ये दो दो जो क्या है मतलब इसकी डिपेंडेंसीज क्या है, ये दोनों फाइल विदाउट इसके ये मतलब रन नहीं कर सकता। तो ये आप डैक डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, ये सेक्शन मैंने समझा दिया। उसके बाद एडमिन सेक्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर मैंने वही बताया था आपको कि वेरिएबल वगैरह आपको क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, की वैल्यू पेयर में जो भी की देना हो आपको, जो वैल्यू देना हो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो आप कर सकते हो यहाँ से। फिर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है यहाँ पे, आप ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन का फाइल आप opt.airflow/airflow.cfg, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करो आपको SMTP का या फिर ईमेल आईडी से कुछ रिलेटेड काम करना है तो आपको SMTP का कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इस फाइल में। और अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो दिखाता हूँ, डॉकर PS में अगर करूँगा तो मेरा ये कंटेनर आईडी आ गया, ये रन कर रहा है मेरा कंटेनर, और मैं इसको कंटेनर आईडी दे करके /bin/bash, मैं इस यूज़र के अंदर आ गया, ls करूँगा। यहाँ पे आप देख सक रहे हो airflow.cfg ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वही इसी के बारे में ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो मैं वो भी बता दिया आपको। उसके बाद कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सपोज़ करो कि आपको मतलब कोई टास्क लिखना है, सपोज़ करो आपको S3 से मतलब Amazon S3 से एक फाइल को गेट करना है, उसके बाद उस पर कुछ ऑपरेशन करना है, तो आप कैसे कनेक्शन क्रिएट करोगे? तो इसी में आप बहुत सारा ऑप्शंस ऑलरेडी दिया हुआ है इसके अंदर, मैं आपको एक बताता हूँ करके कैसे होता है। तो यहाँ पे ऐड अ न्यू रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन, तो सबसे पहले कनेक्शन आईडी डालते हैं, तो आप जो भी मन हो आपको डाल सकते हो। AWS कनेक्शन में करके ऐसे डाल देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन टाइप है, ये कनेक्शन टाइप में क्या है कि मैं अमेजन के साथ काम करूँगा, अमेजन वेब सर्विसेज मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे एजोर के साथ आप काम कर सकते हो, जो भी है। सपोज मुझे स्नोफ्लेक में के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, मैं आपको हर एक चीज़ मतलब एक एक करके समझाऊंगा अपकमिंग वीडियोज़ में, तो आप बने रहो इसके साथ, इस सीरीज़ के साथ। मैं हर एक चीज़ आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो ये अमेजन वेब सर्विसेज को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। और अमेजन वेब सर्विसेज के अंदर आपको AWS एक्सेस की आईडी और AWS सीक्रेट एक्सेस की मिलेगा, तो ये मैं अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इसको गेट करते हैं। तो सपोज जब AWS आप खोलोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि रोल का सेक्शन होता है, ठीक है। हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, उस यूज़र को एक रोल असाइन करेंगे, ठीक है। एक रोल क्रिएट कर लेंगे अमेजन वेब सर्विसेज के अंदर, जैसे ही रोल मतलब यूज़र को उस वो रोल असाइन करेंगे और एक पॉलिसी अटैच करेंगे, वो पॉलिसी क्या होगी S3 फुल एक्सेस का, अमेजन S3 फुल एक्सेस। मैं आपको वो चीज़ हर एक चीज़ बताऊंगा कैसे करते हैं वो। तो जैसे ही आप वहाँ से रोल क्रिएट करोगे और यूज़र क्रिएट करोगे तो आपको एक यूज़र आईडी मिलती है, वो उसके अंदर वही AWS एक्सेस की आईडी मिल जाएगी, सीक्रेट एक्सेस की आईडी मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे इसी फॉर्मेट में मिलेगी। देखो आप यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे ही मिलेगी। तो जैसे ही आप क्रिएट करके यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करोगे तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा आपका। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे क्रेडेंशियल एरर आ गया क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। अगर सेम वे में अगर आपको स्नोफ्लेक के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो सपोज ऐसे, तो यहाँ पे मैं स्नोफ्लेक आपको आईडी डालनी है, कुछ भी जो भी डाल सकते, स्नोफ्लेक कनेक्शन में करके डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप स्नोफ्लेक देखोगे तो स्नोफ्लेक का ऑप्शन आ रहा है, स्नोफ्लेक सर जैसे ही मैं सेलेक्ट किया यहाँ पे तो स्नोफ्लेक में स्कीमा का नाम आता है, स्कीमा आपको डालना होगा, लॉगिन आईडी स्नोफ्लेक की, पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड बेसिकली डालना होगा, अकाउंट नेम डालना होगा, अकाउंट नेम बेसिकली 5 लेटर का आता है। आप अगर स्नोफ्लेक जानते होगे अच्छे से तो आप जानते होगे कि स्नोफ्लेक का अकाउंट नेम आता है 5 लेटर का, मतलब दो स्टार्टिंग में दो अल्फाबेट रहते हैं और उसके प्रीफिक्स में बेसिकली 4 डिजिट रहते हैं, तो ये डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस का नेम, डेटाबेस का नेम, रीजन आपको डालना पड़ेगा जो भी रीजन में आप चला रहे हो स्नोफ्लेक को वो, फिर स्नोफ्लेक का रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिस्टम एडमिन, अकाउंट एडमिन, जो भी आपको, जो भी आप जिस रोल के साथ काम करना चाहते हो वो। उसके बाद ये सब कुछ नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन जैसे करोगे तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप मतलब अपना टास्क वगैरह लिख करके आप ये कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये प्लगइन्स वगैरह कुछ है एयरफ्लो की, सम कस्टम प्लगइन्स भी एयरफ्लो प्रोवाइड करता है बेसिकली, और कुछ हम खुद के भी प्लगइन्स कंपनी लोग बनाती है, तो बेसिकली मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे आगे के वीडियो में। तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो प्लगइन्स के बारे में, ठीक है, प्लगइन्स कौन सा प्लगइन्स अवेलेबल है, ठीक। उसके बाद हम एडमिन सेक्शन के अंदर प्रोवाइडर्स में आएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स है। सपोज आपको अमेजन के साथ काम करना है तो आपको ये अपाचे एयरफ्लो प्रोवाइडर्स अमेजन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डॉकर फाइल में जब हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं तो ये देखो डॉकर फाइल में ही मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे कि सपोज करो मुझे एयरफ्लो के साथ काम सपोज अमेजन गूगल के साथ काम करना है तो ये मुझे ये प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैं जब भी मैं कोड लिखूंगा ना तो उसके उस यहाँ से आप देखो
यहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उस प्रोवाइडर से, S3 टू लोकल, S3 टू लोकल ऑपरेटर, बेसिकली ये सारा ऑपरेटर वगैरह मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, अभी मैं एक रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ ये। तो ये सारे ऑपरेटर्स आपके अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप ये प्रोवाइडर्स बेसिकली अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत सारे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। फिर ये पूल्स का ऑप्शन है, एक डिफॉल्ट पूल हम लोग रन करते हैं, आपने मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था, इसमें कितने 128 टास्क बेसिकली हम पैरेलली रन कर सकते हैं, वही 128 स्लॉट्स यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद एडमिन सेक्शन में एक्सकॉम्स एक आता है, एक्सकॉम्स क्या करता है, ये बेसिकली क्रॉस कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, क्रॉस कम्युनिकेशन बेसिकली जब दो टास्क हम लिखते हैं, सपोज एक टास्क से दूसरे टास्क को हम कुछ, हमको कुछ डेटा चाहिए, तो हम ये क्या कैसे करते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। ये मैं आपको अगले मतलब अपकमिंग लेक्चर में हर एक चीज़ को भी डिटेल में बताऊंगा कैसे वो मतलब क्रॉस कम्युनिकेशन जनरेट क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा हम गेट करते हैं, तो ये है। उसके बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे जा करके आप पढ़ सकते हो। तो ये कंप्लीट मैंने वेब इसका वॉक थ्रू कर दिया है, अब मैं कुछ बताऊंगा आपको, जैसे मेरा ये बनाया हुआ है तो मैं इसमें जाता हूँ, अब इसके अंदर आता है ये, मैं देख ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कृपया पेशेंस के साथ देखें तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आप इसको पूरे को वेब मतलब ये UI को समझ जाओगे तो फिर आपको आसानी होगी हर एक चीज़ के साथ काम करने में। तो बेसिकली यहाँ पे देखो आप, ये ग्रिड सेक्शन है, ये वो आपको मैंने एक रन करके दिखाया था टास्क को ट्रिगर करके, तो बेसिकली ये सारा स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे रनिंग हुआ था तो आप ये थोड़ा लाइट ग्रीन था, उसके बाद ये डार्क ग्रीन में सक्सेस है, ये शट डाउन है, स्किप्ड है, अप फॉर रिट्राई है, ये सारा स्टेटस यहाँ पे शो करता है। बेसिकली आप यहाँ पे डैक की समरी, डैक के डिटेल्स देख रहे हैं, टोटल टास्क इस वाले सेक्शन मतलब इस वाले आईडी में है, डैक आईडी, डैक ये जो डैक बनाया हुआ है उसमें चार टास्क टोटली मैंने क्रिएट किए हैं, S3 की सेंसर एक है, स्नोफ्लेक ऑपरेटर दो यूज़ किया है, ईमेल ऑपरेटर एक यूज़ किया है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और ये देखो चार टास्क जो मैंने क्रिएट किए हैं उसके नाम्स हैं, उसके नाम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, टास्क इन फाइल, सपोज मतलब ये मैंने क्रिएट किया है कि S3 में कोई फाइल अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ, जैसे ही हम मतलब अगर आपको एक फाइल देखना है कि सपोज इंस्टेंटली कोई फाइल अवेलेबल हो S3 में और उसको पिक करना है, तो कैसे पिक करेंगे हम, एक पाइपलाइन जनरेट करेंगे और वो पाइपलाइन क्या करेगा, चेक करते रहेगा कि कोई फाइल S3 में आई, जैसे आएगी तो वो कैसे, मतलब हम लोगों ने S3 सेंसर यूज़ किया हुआ, S3 की सेंसर, ये बेसिकली सेंस करते रहेगा वहाँ पे कि अगर कोई फाइल जैसे ही वहाँ पे पहुँची वो क्या करेगा, तो मतलब एक मैंने ये बुलियन वैल्यू से क्रिएट किया हुआ है, मतलब ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, उसके बाद आगे का टास्क ये चलेगा, वो पाइपलाइन का फ्लो है बेसिकली। तो ये है, उसके बाद यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन सारे देख सकते हो आप यहाँ पे जो भी है। उसके बाद ये ग्राफ सेक्शन है, ग्राफ सेक्शन में क्या होगा कि आपको चार टास्क है उसको ग्राफ सेक्शन में आप देख सकते हो, ये जैसे यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये टास्क आईडी वगैरह शो करेगा यहाँ पे, इस पे जैसे ही ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया हुआ है, इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ये टास्क कॉपी CSV इनटू स्नोफ्लेक, फिर नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे मैंने जो भी ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ किया उसकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये कैलेंडर है, यहाँ पे जब भी मैं टास्क को रन करूँगा तो यहाँ पे वो मतलब उस कैलेंडर उस डेट को बेसिकली वहाँ पे यहाँ पे वो ग्रीन में शो करेगा, अगर फेल हो गया तो रेड में शो करेगा, या बेसिकली यहाँ पे आप देख सक रहे हो ये ग्रीन टू रेड है। उसके बाद टास्क का ड्यूरेशन क्या है, उस वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, टास्क ने कितनी बार ट्राई मारा है, फिर लैंडिंग टाइम क्या है, एक टास्क से दूसरे टास्क तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद गैंट का ऑप्शन है, उसके बाद डिटेल्स सेक्शन है, यहाँ पे आप टास्क के डिटेल्स को देख सकते हो, ये शेड्यूल इंटरवल दिख रहा है, कैचअप दिख रहा है, इसका स्टार्टेड दिख रहा है, कंकरेंसी है, मैक्स एक्टिव रन्स कितना, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप यहाँ पे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कोड सेक्शन है, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली कम्प्लीट कोड दिखेगा, जो भी आप कोड लिखोगे आपने मतलब मैं तो यूज़ करता हूँ ये, आप VS कोड में जो भी लिखोगे आपको यहाँ पे जब रन करोगे तो ये कम्प्लीट कोड यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। बेसिकली आप जब भी वहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो आप यहाँ पे भी जा करके सबसे पहले चेक कर लेना कि वो मतलब जो भी चेंज है अपीयर हुआ या नहीं हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे देख करके तब आप रन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी टाइम लगता है थोड़ा रिफ्लेक्ट होने में चेंजेस, तो यहाँ से आप कोड देख सकते हो, ठीक है। ऑडिट लॉग यहाँ से देख सकते हो, जो भी ऑडिट होगा डेटा का वो यहाँ से मतलब आप देख सकते हो टोटल। उसके बाद एक और चीज़ था मैं बता रहा हूँ आपको कोड सेक्शन के अंदर, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही जो भी टास्क है ये टास्क पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये एक ऐसा पेज खुल के आएगा, इसमें आपको इंस्टेंस का डिटेल्स, रेंडर्ड, एक्स कम्युनिकेशन जो भी आपने क्रॉस कम्युनिकेशन यूज़ किया उसका डिटेल ये सब दिखेगा। सबसे बेसिक चीज़ है यहाँ पे लॉग, ये लॉग यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कोई एरर आपका आता है तो यहाँ पे आप उसको मतलब डिबग कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी एरर आया यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लॉग्स की मिलेगी।
तो यही था पूरे, मैंने आपको एक एक चीज को अच्छे से समझा दिया। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आप पेशेंस के साथ देखें, आपको हर एक चीज, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा हर एक चीज का, मतलब एयरफ्लो को कैसे रन करते हैं आपको कंप्लीट। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में, डैक्स के बारे में, मैं आपको डैक्स लिखना बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं डैक्स को, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कोड में, ठीक है? तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, और प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे अगर कोई डाउट हो तो आप ईमेल कर सकते हो मेरे को, मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू एवरीवन।